पहला उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां पर देखिए पहला है सजना, सजना का मतलब है यहां पर संवरना, और दूसरा है सजना, सजना का मतलब होता है प्रियतम। तो दो बार सजना शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग रहा है। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब यहां पर हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी का चैप्टर है अलंकार। ये अलंकार चैप्टर हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी दोनों में कॉमन है, हालांकि अलग अलग अलंकार हैं दोनों में, लेकिन जो चीज़ कॉमन है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का मूल शब्द क्या है, अलंकार के प्रकार कितने हैं, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है और इसके प्रवर्तक आचार्य भामा माने गए हैं। अब हम देखते हैं अलंकार शब्द का अर्थ, अर्थ क्या है। तो अलंकार शब्द है, इसकी मूल जो धातु है, इसका मूल शब्द है वो है कृ। कृ धातु में अलम प्रत्यय से बना है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अलंकार शब्द का मूल शब्द क्या है या फिर अलंकार शब्द की धातु क्या है। तो ये कृ धातु है और इसमें प्रत्यय लगा है अलम, ठीक है, इस तरीके से फिर बना ये अलंकार। अलम करोति इति अलंकार, शाब्दिक अर्थ इसका यह है कि अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे अलंकृत करता है, यानी काव्य को अलंकृत करने वाला तत्व अलंकार कहलाता है। अलंकार एक ऐसा उपादान है जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। अलंकार मतलब उसकी शोभा बढ़ाना, श्रृंगार करना, जिस तरीके से आभूषण पहनने से नारी का श्रृंगार होता है, आभूषण नारी के श्रृंगार का मुख्य तत्व है, उसी तरीके से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य तत्व माने गए हैं। परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अलंकार के भेद। तो वर्तमान में अलंकार के तीन भेद जो है वो काव्य में माने जाते हैं, एक है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, तो हमारी लाइव क्लास में जुड़िए, मैं आपको नंबर दूंगा। काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे फोन पर बात करते हैं या फिर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम से। तो शाम को हमारी रोजाना लाइव क्लास रहती है 8 बजे। चलिए, शब्दालंकार, शब्दालंकार का अर्थ क्या है, जहाँ शब्द में ही चमत्कार विद्यमान हो और शब्द का पर्यायवाची रख देने पर चमत्कार नष्ट हो जाए वहां शब्दालंकार होता है। मतलब किसी शब्द विशेष में ही काव्य का एक उसका चमत्कार जो है वो विद्यमान रहता है, अगर उस शब्द को हटा करके दूसरा शब्द लगा दिया जाता है, उसका समानार्थी शब्द लगा दिया जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द अगर हम वहां पर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो जो अलंकार होता है, वो जो चमत्कार होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो शब्द विशेष में यहां पर चमत्कार होता है तो ये कहलाता है शब्दालंकार। शब्दालंकार के उदाहरण कौन कौन से अलंकार जो है वो शब्दालंकार में आते हैं, तो देखिए अनुप्रास अलंकार, ये शब्दालंकार है। यमक अलंकार एक शब्दालंकार है। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है। पुनरोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सभी के सभी हैं शब्दालंकार। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अभी केवल हम एक बार परिचय प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा है अर्थालंकार, जहां अर्थ में चमत्कार विद्यमान हो, है ना, यहां पर शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, अर्थ में चमत्कार विद्यमान हो और शब्द का पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार समाप्त नहीं होता है, वहां पर अगर आपने शब्द का समानार्थी शब्द यूज कर लिया तब भी वो जो उसका अलंकार जो है वो वहां पर उस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे जो है कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के उदाहरण है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उल्लेख, विरोधाभास, भ्रांतिमान, मानवीकरण आदि आदि। तो ये सारे के सारे जो अलंकार हैं इसमें आते हैं। और तीसरा जो है उभयालंकार, जहां पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार विद्यमान हो उसे उभयालंकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है वही अलंकार हम पढ़ेंगे। तो हमारे जो कक्षा 12 का सिलेबस है उसमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य, यानी हिंदी कंपलसरी और हिंदी ऑप्शनल दोनों में मिला करके ये अलंकार है। मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण, विभावना, अन्योक्ति, समासोक्ति, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रदीप, मानवीकरण और व्यतिरेक अलंकार, ये हमारे चैप्टर में सिलेबस में है, साहित्य में और अनिवार्य दोनों में।
तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देखेंगे यमक अलंकार। ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर परिभाषा दूंगा और उसके बाद में कम से कम तीन चार उदाहरण हम प्रत्येक अलंकार के देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में सीधी सीधी लाइन आ जाती है और वहाँ पर अगर आपको अलंकार सब समझ में नहीं आए तो वहाँ पर पूछा जाएगा इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो हमें फिर वहाँ पर पहचानने में थोड़ी सी समस्या रहती है। अगर वहाँ पर आपको नियम याद नहीं रहते हैं तो उदाहरण याद रख के भी आप वहां पर जो है अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं यमक अलंकार। तो जहां शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, ध्यान रखिएगा शब्द की आवृत्ति होगी, है ना, एक अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, यहां पर हम बात करेंगे शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ उतनी ही बार अलग अलग होते हैं, मतलब दो बार अगर शब्द आया तो उसके दो अर्थ होंगे, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, पहला उदाहरण है, 5-6 उदाहरण हम यहां पर देखेंगे। पहला उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां पर देखिए, पहला है सजना, सजना का मतलब है यहां पर संवरना, और दूसरा है सजना, सजना का मतलब होता है प्रियतम। तो दो बार सजना शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग रहा है। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब यहां पर देखिए, घटा शब्द का रिपीटेशन हुआ है, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है दो बार। पहली है काली घटा, तो यहां पर काली घटा से तात्पर्य है बादल, और दूसरी बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब है घटना, ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा, तो यह भी एक प्रकार से हो गया यमक अलंकार। वापस ध्यान दीजिए कि जहां पर शब्द की आवृत्ति होती है और जितनी बार शब्द की आवृत्ति होगी उतनी ही बार उसका अलग अर्थ जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। एक बार कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है ना, जिसको खाने से ही व्यक्ति बोराया जाता है, और दूसरा है कनक यानी सोना, जिसको पाने से व्यक्ति बोरा जाता है। तो ये इस प्रकार इसके दो अर्थ हो गए। और दो और उदाहरण देख लीजिए, दो तीन उदाहरण हम देखते हैं। सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए सारंग में सारंग धरी सारंग सारंग माए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। और भी कई सारे उदाहरण आपने पढ़ा होगा, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तो ये अभी हमने देखे यमक अलंकार के उदाहरण, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यमक अलंकार। बाकी के जो अलंकार हैं उसको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। सम श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, इन सभी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।